अगली खबर का रुख करते हैं। अगली खबर ग्वालियर से है, जहां मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर का बयान आया है। पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पर उन्होंने प्रतिक्रिया दी है, कहा कि वे खुद साइकिल चलाएंगे, इससे शरीर भी स्वस्थ होगा और पैसे की बचत भी होगी। यह बचत का पैसा देश के बेटे बेटियों के काम आएगा। पेट्रोल के बढ़े हुए दामों पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने अपनी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने बयान दिया, कहा कि वे खुद साइकिल चलाएंगे, इससे शरीर भी स्वस्थ होगा और पैसे की भी बचत होगी। जो पैसा बचेगा वो देश के बेटे बेटियों के काम आएगा। और आइए अब आपको सुनवाते हैं मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने क्या कुछ कहा, उनकी क्या प्रतिक्रिया है। ये एक विषय अलग है। अगर हम आने वाली पीढ़ी को कुछ संदेश देना चाहते हैं, आने वाली पीढ़ी जिसको सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, उनके लिए कुछ कर सकते हैं, तो उनके पढ़ने के लिए, उनके लिए वातावरण बने। या आप सक्षम हो तो किसी गरीब की बेटी के पीले हाथ हो सके। तो सब्जी मंडी जा रहे हो तो यार मोटरसाइकिल और फोर व्हीलर की जरूरत कहाँ है। शरीर के लिए भी काम आएगी, स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और पेट्रोल भी बचेगी और प्रदूषण भी बचेगा। ये संदेश नहीं, हम सबको अपने जीवन में उतारना है। रेट कम किया तो उसके लिए प्रयास नहीं होना चाहिए, बट वो एक अलग व्यवस्था है। देखिए, ये पैसा जो पेट्रोल का है किसी व्यक्ति से इसकी जेब में जा रहा है क्या? जा तो जनता की जेब में रहा है। पेट्रोल से अगर कुछ पैसा टैक्स के रूप में आया तो हॉस्पिटल में जा रहा है, कहां जा रहा है? जनसेवा में, उस अंतिम व्यक्ति की, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के इलाज में खर्च हो रहे हैं, अंतिम पंक्ति के अंतिम व्यक्ति के शिक्षा पे खर्च हो रहा है, सड़कों पे खर्च हो रहा है, तो पैसा कहां खर्च हो रहा है? व्यक्ति विशेष की जेब में जा रहा हो तो मैं कल ही इसका कड़ा विरोध करूंगा।